ईडी ने गैर कानूनी तरीके से नोट बदलने के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस मामले से जुड़ी हुई है जिसमें 9 फर्जी बैंक खातों में करीब 34 करोड़ रुपए जमा कराने की बात सामने आई थी। जांच में ये बात भी सामने आई थी कि कोटक महिंद्रा बैंक की नई दिल्ली के केजी मार्ग ब्रांच में गैर कानूनी तरीके से पुराने नोटों को नए नोटों में बदला गया था। बैंक मैनेजर आशीष कुमार पर पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन की मदद करने का भी आरोप लगा है। मामले में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी सफाई में कहा कि मैनेजर आशीष कुमार को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है और जांच एजेंसियों को हर जानकारी मुहैया कराई जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि बैंक इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है।